हेलो गाइस, नैन्सी हियर, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था एनीमिया और उसकी प्रेवलेंस के बारे में, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ द लिंक बिटवीन थायराइड एंड वेट गेन। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि थायराइड आजकल मोस्ट प्रेवलेंट डिसऑर्डर माना जाता है। इवन फॉर मेनी थायराइड पेशेंट्स वेट कंट्रोल एक बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन बन चुका है। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू थायराइड होता क्या है एक्चुअली। इट इज़ अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन आर नेक जो प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन एंड हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। बट ड्यू टू सम कंडीशंस थायराइड की डिसफंक्शनिंग होती है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, पहला हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोथायरॉयडिज्म एंड वेट गेन में क्या लिंक है। बेसिकली इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। इन हाइपोथायरॉयडिज्म हमारा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बेसिल मेटाबॉलिक रेट पर, दैट इज आर BMR, जो कि स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम जल्दी से कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं और इसका रिजल्ट होता है वेट गेन। इंडिया में हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रेवलेंस देखा गया है 11%, जो कि बाकी की कंट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एंड हाईएस्ट प्रिवलेंस देखा गया है इन पीपल एज बिटवीन 46 to 54 years। द कॉजेज ऑफ दिस वेट गेन कैन बी मैनी। सिर्फ एक्सेस फैट का एक्यूमुलेशन होना ही नहीं होता है, इट कैन बी ड्यू टू द सॉल्ट एंड वाटर एक्यूमुलेशन ऑल्सो। द वेट गेन डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जितना ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उतना ज़्यादा ही आपका वेट गेन होगा। हाउ एवर थायरॉयड इज नॉट क्योरेबल बट यू कैन मैनेज इट। There are so many ways for managing this increasing weight. या तो आप थायराइड मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, और यू कैन अडॉप्ट अ रेगुलर हेल्दी डाइट। इट साउंड्स लाउजी ना, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट डाइट। सिर्फ ज़रूरत है कैलरीज को मेंटेन करने की, और सबसे अच्छा तरीका है अपनी कैलरीज को बर्न करने का कि अपनी डेली रेगुलर डाइट में एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड्स को इंक्लूड करें, जो कि आपको मिल सकता है सिट्रस फ्रूट से और वेजिटेबल से। एंड द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स nowadays आर ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी। यू कैन गो फॉर either वन, whatever यू लाइक, ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी। सो guys, इट was ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू will like दिस वीडियो। डू नॉट forget टू सब्सक्राइब दिस चैनल।